दिल्ली में किडनी रैकेट मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सी राजकुमार राव को मंगलवार को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल पर किडनी की खरीद फरोख्त का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर्स के दो निजी सचिव और तीन दलाल शामिल हैं। तो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, इसके पास से इन्फॉर्मेशन क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। सी राजकुमार जिसको पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है, बेसिकली अभी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह चल रहा है, तो तीन आदमियों को हम अरेस्ट करेंगे। ये कौन है तीनों सर और क्या इनका रोल रहा है? ये अभी जो हमने किया है ये डोनर्स को किया है हमने, इनमें से दो फीमेल्स हैं और एक मेल डोनर है, और दो कानपुर के हैं और एक सिलीगुड़ी। सर क्या रोल इनका स्पेसिफिक निकल कर रहा है? ये अभी वही इन्होंने बेसिकली डोनेट किया था, जो किडनी डोनर्स हैं उनको हमने अभी अरेस्ट कर रहे हैं। सर इन्होंने क्या बताया कि किस तरह से ये अपना फेक पेपर बनवाया और कैसे? ये अभी जब हम इनसे इंटरोगेशन करेंगे तभी हम आपको डिटेल में बता पाएंगे। तो दिल्ली पुलिस ने 2 जून को किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया। किडनी रैकेट में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अपोलो अस्पताल पर किडनी की खरीद फरोख्त का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर्स के दो निजी सचिव और तीन दलाल शामिल हैं। डॉक्टर्स के निजी सचिव अस्पताल के कर्मचारी नहीं। अपोलो 5 लाख रुपए में किडनी खरीदने का आरोप है। अपोलो पर 25 लाख रुपए में किडनी बेचने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने अपोलो अस्पताल में छापेमारी की थी और अपोलो अस्पताल से कई कागजात जब्त किए गए थे। पुलिस कोलकाता और चेन्नई में भी छापेमारी के लिए गई थी। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के शामिल होने से इनकार नहीं कर रही है पुलिस।